राजनीति में पुरानी कहावत है, दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, लेकिन कांग्रेस के लिए इसी रास्ते में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा है और यही वजह है कि सोनिया गांधी के साउथ से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। लेकिन एक चर्चा यह भी है कि अगर सोनिया गांधी दक्षिण गई तो प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। रायबरेली कहने के लिए ये एक लोकसभा सीट है, लेकिन कांग्रेस के लिए उसके सर का ताज है। ये वो किला है जो 2014 और 2019 की आंधी में भी नहीं हिला है। बीते चार लोकसभा चुनावों से सोनिया गांधी यहां से जीतती आ रही हैं। हर बार उन्हें यहां से 50% से ज्यादा वोट मिले हैं, जो बताने के लिए काफी हैं कि यहां जनता न कांग्रेस के सिवाय सोचती है और न किसी और की बात करती है। मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा, एक एक बूंद इस देश को समर्पित है। अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में अगर 3 चुनावों को छोड़ दिया जाए तो ये सीट कांग्रेस के पास ही रही है। 72 साल के चुनावी इतिहास में रायबरेली सीट 66 साल तक कांग्रेस के पास रही है। लेकिन अब इसी रायबरेली में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और आने वाले वक्त में इसका हाल भी अमेठी जैसा हो सकता है। इसलिए कांग्रेस सोनिया गांधी के लिए दक्षिण में सेफ सीट तलाशने में जुट गई है। वहीं इस बात की चर्चा है कि सोनिया की जगह प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, जो लगातार रायबरेली आती रही हैं। प्रियंका गांधी के लिए जगह एक बननी होगी, कहाँ बनाएंगे? उत्तर प्रदेश छोड़ना भी नहीं चाहती हैं। और प्रियंका गांधी की जो उम्र है, जो जज्बा है, वो बात दूसरी कि कांग्रेस के लिए अभी वक्त साथ नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें ज़रूर ऐसी हैं अमेठी और रायबरेली की, जहाँ वो उनको सौहार्दपूर्ण तरीके से समाजवादी पार्टी एक रास्ता भी दे सकती है। एक नए खून के साथ में, नए जज्बे के साथ में प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं और उससे कांग्रेस को भले ही सीटें ना मिलें, लेकिन एक एक माहौल थोड़ा तैयार हो सकता है प्रियंका। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रियंका के लिए रायबरेली की राह आसान होगी, क्योंकि चुनाव दर चुनाव यूपी में कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है। 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में 10 सीटें जीती थी, जो 2004 में घटकर 9 पर आ गई। लेकिन 2009 में कर्ज माफी और मनरेगा के दम पर कांग्रेस ने यूपी में बड़ा कमबैक किया और यूपी की 21 लोकसभा सीटें जीती। लेकिन इसके बाद कांग्रेस का जो डाउनफॉल शुरू हुआ वो नंबर बताने के लिए काफी है। 2014 में कांग्रेस ने यूपी में अमेठी और रायबरेली की 2 सीट जीती, लेकिन 2019 में एक ही सीट जीत पाई। यानी कहने के लिए कांग्रेस के पास यही रायबरेली बचा है, लेकिन मुश्किल ये है कि इसी रायबरेली में बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। सभी 6 सीट बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने आपस में बांट ली, जो ये बताने के लिए काफी है रायबरेली में कांग्रेस के लिए स्पेस खत्म हो रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि रायबरेली में कांग्रेस के जो मजबूत चेहरे थे वो अब बीजेपी के साथ हैं। अदिति सिंह रायबरेली से ही बीजेपी की विधायक हैं। उनका एक बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन कार्यकाल रहा है और वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड कि हमको भी अपना योगदान देने को प्राप्त हो रहा है एज अ सेकंड टर्म एमएलए, और यही मेरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा काम और ज्यादा अच्छा काम करा पाऊं इस बार। जबकि दिनेश प्रताप सिंह 2019 में खुद सोनिया गांधी को चुनौती दे चुके हैं, जो मौजूदा समय में योगी सरकार में मंत्री हैं, यानी मुश्किल कम नहीं है। वहीं एक धड़ा ऐसा भी है जो ये मानता है कि कांग्रेस रायबरेली सपा की मेहरबानी से जीतती रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी यहां उम्मीदवार ही नहीं उतारा, और उतारा भी तो इतना कमजोर जिसकी कभी चर्चा ही नहीं हुई। ऐसे में कांग्रेस को डर है कि अगर उसका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ और अगर समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत से रायबरेली में चुनाव लड़ा तो उसकी मुश्किल बढ़ जाएगी। वैसे भी अखिलेश यादव के दिल में
मध्य प्रदेश वाली घटास अभी बाकी है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंदे में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास कांग्रेस मुक्त यूपी बनाने का सुनहरा मौका है। जिस तरह 2019 में बीजेपी ने अमेठी जीता, उसी तरह बीजेपी कांग्रेस के इस आखिरी किले को भी ढहा देना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी रायबरेली में अपनी विधायक अदिति सिंह को मैदान में उतार सकती है, जो न सिर्फ रायबरेली में काफी लोकप्रिय हैं, बल्कि महिला कार्ड भी उनके नाम पर आसानी से चल सकता है। अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह का रायबरेली में बड़ा कद था, वो निर्दलीय चुनाव जीतते थे। पिछले 31 साल से रायबरेली विधानसभा सीट पर अदिति सिंह और उनके परिवार का ही कब्जा है। ऐसे में कांग्रेस को रायबरेली बचाना है तो यूपी में कुछ बड़ा करना होगा, क्योंकि यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। जानकार इसे दिल्ली में सरकार बनाने का सबसे बड़ा रास्ता मानते हैं। इसी रास्ते पर चलकर 2014 और 2019 में बीजेपी ने सरकार बनाई। ABP News आपको रखे आगे।